स्वामी के प्रत्येक कार्य के पीछे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य छिपे रहते हैं। प्रशांति निलयम के विभिन्न भागों की व्याख्या करते समय भी बाबा बड़ी ही सरलता से उन्हें भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति से जोड़ देते। बाबा ने बताया कि प्रशांति निलयम पहुंचने के लिए 3 द्वारों का उपयोग होता है। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य छिपा है। बड़े रास्ते से प्रशांति निलयम में आने के लिए सबसे पहले जिस द्वार को पार करना पड़ता है वो तमोगुण पर विजय प्राप्त करने के समान है। तमोगुण में फंसे लोग इधर उधर भटकते हैं, एक प्रकार से शंका व संदेह के घेरों में। वहां से भीतर आकर दूसरे द्वार तक जाने पर उन्हें दिखाई देता है उनके कौतूहल को जागृत कर अपनी ओर आकर्षित करता निलयम का भव्य भवन, उसका विद्युत दीपों से अलंकार। ये सब राजसी गुण का प्रतीक है। तत्पश्चात इसे भी पार कर यानी रजोगुण पर विजय प्राप्त कर वो प्रार्थना मंदिर में प्रवेश करता है और सत्वगुण से प्रेरित हो वहां बैठकर भजन में भाग लेकर नाम संकीर्तन करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, जप की महत्ता जानकर उसी में मग्न हो जाता है और उचित आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है। प्रशांति निलयम में सब ब्रह्म मुहूर्त में ही जागृत हो जाते हैं। ठीक 4:30 बजे मंदिर की घंटी प्रणव जप का मुहूर्त सूचित करती है। 4:45 बजे सब भजन मंदिर में आसीन हो जाते हैं। प्रातः 6 बजे तक ओंकारम, उपासना, ध्यान, जप, नगर संकीर्तन आदि चलते हैं। राम जय राजा राम राम जय सीता राम। ओम शब्द परमात्मा को पहचानने का एक उत्तम साधन है, ये कहकर बाबा बार बार समझाते। ओमकार के भिन्न भिन्न अर्थ उन्होंने कई बार विस्तृत रूप से भक्तों को समझाए हैं। प्रतिदिन भजन के प्रारंभ एवं अंत में ओमकार का वहां गंभीरतापूर्वक उच्चारण किया जाता है। मंगल चरण गजानना चित्रावती तट की रेत राशि से बाबा द्वारा निर्मित एक शिवलिंग को प्रार्थना मंदिर में प्रातः काल के समय अभिषेक, पूजा आदि अर्पण किए जाते हैं। उन दिनों मध्याह्न के समय किसी पंडित द्वारा रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का पाठ होता। बाबा जप तप में निरत, सन्यासी अथवा योग साधना में मग्न योगी नहीं है, वे एक अवतार पुरुष हैं। उनका आहार अति सरल है। तुम सबका संतोष ही मेरा आहार है, वे कहते हैं। दूध, दही, मिठाई, घी आदि बाबा को पसंद नहीं। वे कहते, अत्यंत निसहाय निर्धनों के घर जाकर भी अपने सरल आहार के कारण मैं खाना खा सकता हूं। मेरे कारण उन्हें दूसरों से ऋणी होने की आवश्यकता नहीं। प्रशांति निलयम में हूं या कहीं और,
उनका एक ही कार्यक्रम रहता, भक्तों पर अनुग्रह करना, भक्तों को दर्शन देना, उनके संशय दूर करना, कष्ट निवारण करना, लोक कल्याण करना, धर्म संस्थापन करना, साधु संरक्षण करना, दुष्टता को दूर करना। जय साईं राम।